भाग्य का लिखा क्या कभी मिट सकता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। उन पंडित के एक दोस्त दूसरे गांव में रहते थे और वह जन्म से ही लंगड़े और गूंगे थे। एक दिन पंडित जी अपने उन दोस्त से मिलने के लिए घर से निकले। उनके दोस्त का गांव वहां से काफी दूर था। वह ज्ञानी पंडित रास्ते में जा ही रहे थे कि उन्हें अचानक एक आदमी मिला। वह आदमी भी उन पंडित के साथ साथ चलने लगे। पंडित जी ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इस आदमी के साथ बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। ज्ञानी पंडित जी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। अब पंडित जी और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ने उस पंडित जी से कहा कि आप आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा सा काम है, मैं काम खत्म करके अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और यह खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ ही देर में महाकाल पंडित जी के पास वापस आ गया। वह दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया तो महाकाल उस पंडित जी से बोले कि इस गांव में थोड़ा सा काम है, आप चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय के पश्चात उस गांव में आग लग गई। वह पंडित जी अब सोचने लगे कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर कोई न कोई बुरी घटना जरूर घटती है, इसलिए उस पंडित जी ने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई न कोई बुरी घटना जरूर होती है। पंडित जी की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित जी ने महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह पंडित जी सोचने लगे कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। यह सोचकर पंडित जी वापस अपने गांव की तरफ जाने लगे। महाकाल ने पंडित जी को वापस जाते हुए देखकर कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी एक अटल सत्य है, इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस पंडित जी ने देखा कि उनका मित्र उनसे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उनका मित्र उस पंडित जी के पास पहुंचता है, हृदय घात होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बहुत बड़ा पछतावा होने लगा। वह पंडित जी महाकाल से पूछते हैं, अच्छा तुम यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। पंडित जी यह बात सुनकर घबरा गए और वह जल्दी से अपने घर पहुंचे और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गए और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी ने सोचने के बाद यह हल निकाला कि वह पंडित जी इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेंगे। राजा ने पंडित जी के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस पंडित जी को मालूम भी नहीं थी। जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह पंडित जी नींद में राजमहल से बाहर निकल गए। अब पंडित जी राजा के यहाँ मेहमान थे, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उन्हें जाने से नहीं रोका। वह पंडित जी राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के सैन्य कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गए। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस पंडित जी को अपने सैन्य कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में उस पंडित जी को फांसी की सजा सुना दी। तब पंडित जी ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली। पंडित जी की बातों पर राजा को विश्वास नहीं आया। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर पंडित जी की बातों पर सच की मुहर लगा दी।
यह सुनकर उस राजा को अपने दिए दंड पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे अभी उसको बदला नहीं जा सकता। राजा ने एक राजसभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक कच्चे धागे का फंदा बनाकर आप पंडित जी को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। कच्चे धागे का फंदा होने के कारण पंडित जी की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन पंडित जी के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि पंडित जी को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा तो टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस पंडित जी के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उनका खून तेजी से निकलने लगा और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित जी की मृत्यु हो गई। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु से इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए और हर जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस संसार में आता है और मनुष्य स्वयं चाहे या ना चाहे, लेकिन समय के पूर्ण होने के बाद इस दुनिया से उसे जाना ही पड़ता है।